जालन्यामध्ये मुस्लिम समाज विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये आपला उमेदवार उतरवण्याच्या तयारीमध्ये दिसतोय या अनुषंगाने संधी देण्याची मागणी मुस्लिम समाजाने काँग्रेस पक्षाकडे केले मुस्लिम समाजाच्या वतीने सय्यद जमील मौलाना अब्दुल हाफिज आणि शेख मेहमूद यांनी काँग्रेस पक्षाकडे उमेदवारी मिळण्याची मागणी केली असून जालना विधानसभा में मुस्लिम समाजा एक लाख मतदान है मुस्लिम समाज पाठिंब्या कांग्रेस पक्ष जालन में खंबीरपे उन्दा मुस्लिम चेहरा लॉग्रेस पक्षा ने उमेदवारी दी अभी मांग कर दो हज़ार चौबीस में जालना मतदार संघ से मुस्लिम समाज की वोटिंग एक लाख के करीब पहुंच चुकी है इसलिए हमने सभी समाजों से मशवरा करने के बाद मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज मराठा समाज और दिगर समाजों से मशवरा करने के बाद में यह तय किया है कि जालना से 2024 विधानसभा के लिए मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए इसलिए हमने कांग्रेस पक्ष से उम्मीदवारी मांगी है जिसमें मैं भी हूँ अब्दुल हफीज़ साहब है शेख महमूद साहब है हम तीनों ने इसमें उम्मीदवारी मांगी है तुम्हें कांग्रेस पक्ष उम्मीदवार मांगित लिया है मैं तुम तो योगदान कह रहा है कांग्रेस पक्ष ने उम्मीदवार मांगी कांग्रेस में हमारा योगदान ये है कि लोकसभा में हमने मुस्लिम समाज ने जो काम किया है और हमने जो काम किया है उसका रिजल्ट आपके सामने है जानना लोकसभा से अक्सरियत में मुस्लिम वोटिंग हुई है मुसलमानों के साथ दिगर समाजों ने भी वोट दिया है सबसे बड़ा योगदान यही है कि आज कांग्रेस पक्ष जिस मकाम पे खड़ा है वो मुसलमानों के योगदान की वजह से खड़ा है